अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज का दिन है, आज हम वापस जाएंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल्स हैं कल से। तो बस ये मॉर्निंग का है जहाँ पे हमको बहुत हरी अप यानी रश करना है, जल्दी उठना है। तो जल्दी तो उठ गए हम लोग ब्रेकफास्ट करके, बस फिर ये सारा कुछ पैक कर लेंगे। जैसा ये टेंट आप देख रहे हैं, टेंट है। और आज देखिए, आज कितना अच्छा वेदर है। हम यहाँ पे 2-3 दिन से, जितने भी दिन से थे ना, यहाँ पे काफ़ी विंडी था, कोल्ड था और सर्दी थी, लेकिन आज देखिए, आज अच्छा सा वेदर है। लेकिन आज हमको जाना है, आज हमको इरादा था कि ये होल वीक रहेंगे हम 15 डेज या 1 वीक से ज़्यादा, लेकिन आज हमारा जो है वो 5th डे है, तो हम फिर चले जाएंगे आज इंशाल्लाह। और बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है और ये बन रहा है नाश्ता। और 2 दिन से तो इतना ठंड था यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि विंटर आ गया, क्योंकि माइनस माइनस नहीं सॉरी प्लस में ही था टेम्परेचर, 10 और 12 में था। लेकिन अब देखें आप, अभी इतनी गर्मी है यहाँ पे, अभी टेम्परेचर बता रहा है 20, तो आप सोचिए सुबह ही 20 बता रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा। तो आज मैक्सिमम जो जाने वाला है वो 35 तक जाने वाला है। वेदर बहुत अच्छा है, सोच रहे थे कि यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन आपको पता है कि जब स्कूल होता है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल तो जाना ज़रूरी है। और बच्चों का आज ओरिएंटेशन है, कल नमीरा का था और आज अफ़ान जयान का है, जिसका स्कूल में है उनका ओरिएंटेशन, तो उसके लिए जाना है। और उनको बैकपैक्स और हर चीज़ की तैयारी भी करनी होती है ना, तो इसीलिए हम आज सोच रहे थे कि हम आज निकल जाएं। और यहाँ पे देखिए, यम्मी सब ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो इंशाल्लाह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अनपैक करते हैं, सॉरी पैक करते हैं सारा कुछ, और फिर निकलते हैं घर के लिए, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें, सब अच्छे से नाश्ता कर रहे हैं और वेदर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और मैं और अफ़ान यहाँ पे आ गए थे, हम लोग थोड़ा सा शेड में रह के करेंगे नाश्ता। और ये मेपल है, मेपल देखिए, ये भी एंजॉय करिए क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है। तो आप देख रहे हो मेपल कैसा रन कर रही है, बस वो जा तो रही है वहाँ पे, लेकिन वो बहुत स्केरी कैट है, तो उसे ना अभी डॉग की, अगर वो बार्किंग सुनेगी, डॉग पुकार रहा है उसकी सुनेगी, तो वो फिर वापस दौड़ कर आ जाएगी। और देखिए यहाँ काफ़ी अच्छा वेदर है, अगर आप शेड में बैठो, थोड़ी सी ठंड लग रही है, लेकिन आप धूप में आ जाओ ना, फिर गर्मी लग रही है, तो लेकिन बहुत अच्छा वेदर है। तो नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट, ये नमीरा का ब्रेकफास्ट है। नमीरा, व्हाट यू ईटिंग? ओके, सॉसेज, बन एंड और यहाँ पे चाय बन रही है। और इस चाय, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो मेरे हस्बैंड को ऐसी पसंद है, वो पानी में पहले टी बैग डालते हैं, फिर पकाते हैं, फिर दूध डालते हैं, मैं दूध में ही सारा कुछ डालती हूँ, तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। वैसे आई एम नॉट अ चाय लवर, मैं चाय नहीं पीती, मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये सिर्फ हस्बैंड पीते हैं। और अभी आपने देखा इसमें सारा कुछ, इतने सारे टी बैग्स है, तो ये टाइम, ये कैंपिंग में जब हम आते हैं तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि वो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, सॉरी स्मोकी फ्लेवर आता है ना, तो स्मोकी फ्लेवर जो आता है चाय का, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो ज़रूर पीते हैं। और मेपल पता नहीं कहाँ चले गए। और यहाँ पे ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया, थैंक यू सो मच हनी। यहाँ पे चाय बनी थी लेकिन चाय किसी ने पी नहीं। और ये देखिए यहाँ पे चल रहा है डिसमेंटलिंग, या जो भी बोले आप, हम जाने की जो टेंट अब था यहाँ पे, टेंट सारा कुछ निकाल दिया क्योंकि हमको जाने की तैयारी करनी है वापस। और आप ये शोर सुन रहे होंगे, ये यहाँ पे जो है ना, ये लॉन मूविंग करते हैं ये कैंपर्ट में, तो ये उस चीज़ का शोर है। और देखिए ये अफ़ान ने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने ना टेंट को पैक कर दिया। काफ़ी गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं, हम लोग अक्सर नोटिस करें, जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ थंडर स्टॉर्म आता है, या रेन होती है, बारिश होती है, ठंडक बहुत होती है। और जब भी जाने की को यानी पैकिंग शुरू करते हैं, तब वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो पता नहीं आप इसको लक नहीं, बैड लक बोल लें या फिर कुछ बोल लें। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ी सी कार की डिटेलिंग भी कर दी और वैक्यूम सारा कुछ कर दिया। और ये वायर्स है, ये ब्लोअर ड्रायर है,
और फिर सारा कुछ ये पैक करना है, चेयर्स हुए, और आप देख रहे हैं यहाँ पे वो तो चला गया किटन, मेपल पता नहीं कहाँ घूम रही है इतनी गर्मी में, शायद वो भी आ जाएगी। और ये देखिए ये सारे कुछ पैकिंग भी हो गई और हम चलें, इंशाल्लाह चलने की तैयारी करते हैं। और मुझे अंदर जाके थोड़ी पैकिंग करनी है। देखिए बच्चे कैसे होते हैं, सारे चीज़ें इधर उधर कर दिए, तो ये पूरा कुछ समेटना है और फिर हमको निकल। तो यहाँ पे मैं अंदर आई थी क्योंकि आपको तो पता है बच्चों को जब हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ करो, अंदर जाके सारा कुछ समेटो, बिकॉज़ वी आर मूविंग। आप देख रहे हो मेरे हस्बैंड बस इसको पुल करने के लिए कार रिवर्स ला रहे हैं, और हम क्योंकि इसको पुल करके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारे पिलोज़ और ये जो बेडशीट्स और ये जो है, और मेपल देखिए यहाँ पे वो आराम कर रही है बेड पे, और ये सारा कुछ मेसअप है, ये सारा कुछ क्लीन करना है। और ये छोटे किटीज़ को देखें, ये तो अपने मस्त मगन होते हैं वॉश खेलते हुए। तो ये सारा कुछ पैक करना है, और बाहर भी देखें आप कितनी सारी चीज़ें हैं पैक करने के, तो बस जल्दी जल्दी करना है और निकलना है यहाँ से। और गर्मी तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि समर वापस आ गया। अभी देखें आप ये सितंबर लास्ट डे, आई थिंक आज 30th अगस्त है, लेकिन इतनी गर्मी है। और ये दोनों तो बस खेलने में ही मगन होती हैं, इतना खेलती हैं, इतना लड़ते हैं ये दोनों। तो देखें अभी भी ये लड़ रहे हैं दोनों। और यहाँ पे मेपल देखें, अभी यहाँ पे वॉशरूम क्लीन किया है सारा कुछ, आप देखें ये यहाँ पे सनरूफ है और सारा कुछ वॉशरूम अभी क्लीन हुआ है, देखें। ये सारा कुछ इतना गार्बेज निकला है वॉशरूम से, तो मैंने सोचा कि ये वॉशरूम भी क्लीन कर दूं, क्योंकि आपको तो पता है ना ये एग्जॉस्ट है ऊपर, फिर हम एक बार जब आ जाते हैं यानी इसको छोड़ देते हैं, फिर आपको फिर वॉशरूम फिर आप क्लीन नहीं कर पाते। तो मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया यहाँ पे, देख तो देखिए वी आर ऑल सेट टू गो, बस इसको हिच करना है इसमें। तो ये नमीरा हेल्प कर रही है अपने पापा को, अपने डैड को कार हिच करने में। यहाँ पे देखें ये वी आर ऑल सेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रोपेन टैंक में एक्चुअली कवर होता है, लेकिन हम जो कहते हैं कि बस हमारे मुल्क में चोरियाँ होती हैं, लेकिन ये यहाँ पे भी होती है। तो हमारा जो कवर है पता नहीं किसी ने मार लिया, चोरी कर लिया मेरे हाथ। तो अभी हमको वो बाई करना है, और यहाँ पे देखिए ये लगता है इसको बस गुड। तो ये हो गया, स्टॉप नॉट टू मच। और ये है जियान जो अभी रोया है, cry baby because I found it something. No I didn't, he's just a cry baby and he's weak. I don't know why Afan and Zayan, but Afan will be always in trouble. Why you guys are fighting? Cause he hit me. Wow, Afan. Left arm.
Dad, you don't have to click one. Where's Maple? She's inside. You said she was on there. You guys want to get her in the car? Turn off the electricity. Mamela, come on. Safety check up, huh? Take a walk. Yeah, funny girl, safety check कर रहा है और देखिए तो देखें ये हम बस निकल रहे हैं जब कैंप पर लेके और बस इंशाल्लाह फिर हो सका तो हम आएंगे फिर कैंपिंग के लिए या फिर नेक्स्ट मंथ ही नॉट नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर ही होगा क्योंकि यूजुअली कैंपिंग समर में अच्छी लगती है लेकिन कैंपिंग में बहुत मज़ा आता है जो भी लोग कैंपिंग जाते हैं जिसको एक्सपीरियंस है कैंपिंग का उनको तो बस वो कैंपिंग के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है तो कैंपिंग बहुत फ़न होती है तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ बस कैंपिंग का ब्लॉग यहीं तक था इंशाल्लाह फिर रेगुलर व्लॉग्स आपको डालती रहूँगी होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना और कहना कि मैं क्या गलत करी हूँ अगर कुछ क्या क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ जो न्यू व्लॉगिंग करती हूँ तो अगर कुछ आपको लगा के ठीक नहीं है या कुछ इम्प्रूव कर सकती तो प्लीज़ मुझे अपने सजेशन ज़रूर बताएं अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं और इंशाल्लाह मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और प्लीज़ एक रिमाइंड करा दूँ प्लीज़ 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 मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक बटन हिट करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़